नमस्कार, स्टेट न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मनावर के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। राजू सोलंकी के नेतृत्व में तहसीलदार चंद्र सिंह धारवे को सौंपा गया। मांग की गई कि मृतकों के परिजनों को न्याय मिले एवं जो भी दोषी हो उन्हें फांसी की सजा हो। साथ ही मांग की गई कि मृतकों के परिवार को 5-5 करोड़ और घायलों को 2-2 करोड़ रुपए मुआवजे दिए जाएं। राजगढ़ जिले में जमीन विवाद में 16 लोग घायल हो गए हैं और मनावर तहसील के जेतापुर गाँव में अन्य लोगों द्वारा आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि कार्यवाही नहीं की गई तो समाज उग्र आंदोलन करेगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन ही करेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मनावर से अनिल तोमर की रिपोर्ट। हर छोटी बड़ी खबर से सबसे पहले रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारी न्यूज़ आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करें।